आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। करवा चौथ के दिन जल निर्जल रहकर व्रत करती हैं और शाम को चांद का अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। उसी में एक कथा बड़ी प्रचलन में है, चलिए मैं आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ किनार नामक एक गाँव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा करवा करके जोर जोर से वह अपने पति को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर जो को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप उसके बल से उस मगर को नरक में ले जाइए। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अंत में उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसे श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज घबरा गए और पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर का उन्होंने यमपुरी में भेज दिया मगर को और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा माता की जय हो। अब हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आंख देत कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, अंधन को आंख देत कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, दीनन की लाजर को शंभु सुत हारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सूर श्याम शरणाए सफल की जय सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। बोलो गणपति जी महाराज की जय। करवा माता की जय।